नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैया जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे कि कुंडली के माध्यम से कैसे जानें कि विवाह में विलंब के योग कैसे देखे जा सकते हैं और यहां आचार्य जी से बहुत सारी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पहली चार राशियों के बारे में जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले आज किसी मांगलिक कार्य में आज अपना योगदान देंगे। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान और कीर्ति बढ़ने जा रही है। गौ माता की सेवा करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 6 और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले आज आप किसी नई योजना पर कार्य करेंगे। किसी धर्म स्थान की आज यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जो लोग स्थान परिवर्तन का सोच रहे थे वो भी आज अपने कार्य को कर सकते हैं, वो लाभकारी रहेगा। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर 75% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले आज का दिन बहुत रचनात्मक है। आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको मन की शांति और साथ साथ सम्मान प्राप्त होगा। छोटी कन्याओं की आज सेवा करना, उन्हें कोई उपहार देना आपके लिए विशेष लाभकारी है। भाग्यशाली संख्या है आपकी आज 1 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले जो लोग कला के क्षेत्र में हैं आज वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उनको जीवन में कोई नया मार्ग आज प्रशस्त होगा। अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर आज घर से निकलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 5 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं और यहाँ आचार्य जी से आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसका माध्यम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आपको मेल करना है। कुछ छोटी छोटी सी डिटेल्स यानी कि नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, ये चार चीज़ें भेजकर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और यहाँ आचार्य जी उन डिटेल्स के माध्यम से आपकी परेशानियाँ देखते हैं, उनके कारण देखते हैं, आखिर कुंडली में वो परेशानियाँ क्यों आ रही हैं और उनके क्या कुछ निवारण हो सकते हैं वो भी यहाँ आचार्य जी बताते हैं। और जो उपचार होते हैं वो बहुत ही सिंपल, सटीक होते हैं, जिसको आप आसानी से अपने बिजी स्केड्यूल में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं तो आप फौरन जाकर के मेल कर सकते हैं और लगातार मेल आईडी फ्लैश हो रही है। आचार्य जी, जो सवाल हमारे पास आते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि लाइव सेशन में ज़रूर लें और कुछ हमारे पास सवाल यहाँ पर आए हुए हैं मेल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको बताते हैं। राहुल हैं जो कि सिक्किम से हैं और 12/5/1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और समय है सुबह का 10:45 जी। और इनका प्रश्न है कि अभी कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हैं और जो काम चल रहा था वो भी अब बहुत लॉस में हो गया है। अब आगे बताइए कि कैसे मैं अपने फिनेंशियल स्थिति कब तक सुधरेगी और कैसे आगे बढ़ा जाए जी। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की है। इनको कोरोना के बाद काम की परेशानी हो रही है और धन की बहुत समस्या है इस समय। तो धन की समस्या के लिए हम इनके द्वितीय भाव को देखेंगे जहां पर सूर्य की राशि उदित होती है और सूर्य इनकी कुंडली में उच्च के होकर दशम भाव में विराजमान है। स्थिति बहुत अच्छी है, आपको धन की कमी जीवन में नहीं होगी।
जो अभी जो स्थिति बन रही है वो गोचर के ग्रहों की वजह से बन रही है, और वो स्थिति आपकी फरवरी 2024 तक चलेगी। तब तक आप वेट कीजिए, उसके बाद ये समस्या समाप्त होगी। सूर्य देव की आराधना कीजिए, रोज सुबह उठकर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करें, हो सके तो गेहूं और एक तांबे के लोटे में डालकर गेहूं रविवार के दिन मंदिर में दान करें, मंदिर में देकर आएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्द जो धन का आगमन आपका रुका हुआ है वो खुल जाएगा और धन आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो उपचार या आचार्य जी ने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज आपका बेवजह विवाद का योग बन रहा है, अपने सीनियर्स के साथ, परिवार में बड़ों के साथ भी आज विवाद हो सकता है, उससे आज आप बचें, संयम रखें। सूर्य देव की आराधना करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 9 और भाग्य का मीटर 70% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं, किसी से कोई अनबन या कोई विवाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी आज दिक्कतें हैं। आज आप अपने संयम से और पराक्रम से चीज़ों को ठीक करें, गणेश जी की यदि आराधना करेंगे तो सब काम आज आपके ठीक से हो जाएंगे। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज का दिन बहुत लाभकारी है, आपके द्वारा बनाई हुई सभी योजनाएँ आज सफल सिद्ध होंगी, आज आपको धन का भी लाभ अवश्य होना था है। जो लोग व्यापारी हैं उनको आज अच्छा लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 80% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज आपको बड़ी सफलता मिलनी जा रही है, जो लोग भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है, आप इस कार्य को कर सकते हैं। साथ साथ गायत्री मंत्र का यदि जाप करेंगे तो दिन की शुभता और अधिक बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ अन्य चार राशियों के बारे में आचार्य जी ने बताया, उनका आज का राशिफल बताया। आचार्य जी, आज का मेरा प्रश्न जो है वो विवाह से जुड़ा हुआ है, और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, विवाह के लिए बहुत चिंतित होते हैं। कई बार ऐसा होता है विवाह फिक्स हो जाता है, शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि रुकावटें आती रहती हैं, रिश्ता बनते बनते कई बार बिगड़ भी जाता है, और कई बार फिक्स होने के बाद में भी वो टलता जाता है। तो ये कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि विवाह में जितना विलम्ब आता है इसके योग कैसे पता चलते हैं? चेल्सी जी, बहुत अच्छा आज का टॉपिक आपने लिया, विवाह में विलंब आना, विवाह में रुकावटें आना, अक्सर ये समस्या लोगों के साथ देखी जाती है, और ये समस्या आज के टाइम में बहुत आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हम लोगों में संयम की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है, उस वजह से भी ये चीज़ बढ़ रही है। तो इसकी एक छोटी सी विवेचना हम करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से जब विवाह योग बनते हैं तब विवाह टलने से विवाह में कई बार बहुत देरी हो जाती है। विवाह में देरी होने का एक मुख्य कारण ये भी माना गया है कि कन्या या वर का मांगलिक होना, इसके लिए यह योग 27 वर्ष, 29 वर्ष, 31 वर्ष, 33 वर्ष, 35वें वर्ष में बहुत अधिक प्रबल होता है, और इसमें दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। जिन युवक युवतियों के विवाह में विलम्ब हो जाता है उनके ग्रहों की दशा को जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे जान सकते हैं? जब सूर्य, मंगल या बुध लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हों और गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो व्यक्ति में आध्यात्मिकता की बहुत अधिक उसकी बढ़ जाती है, और वो विवाह में देरी करता है, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से वो उस कार्यों में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका मन नहीं करता कि वो विवाह करे, समाज की सेवा में लग जाता है। लगन यानी कि प्रथम भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में गुरु या शुभ ग्रह का योग कारक ना होना और चंद्रमा का कमजोर होना भी विवाह में बाधाएं लाता है। सप्तम भाव में शनि और गुरु का होना शादी में देरी करवाते हैं। चंद्र की राशि कर्क में गुरु सप्तम स्थान में हो तो विवाह में बाधाएं आती हैं। सप्तम भाव त्रिक भाव का स्वामी हो, कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो विवाह में देरी होती है। कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हो तो विवाह की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन विवाह का होने का समय बहुत अधिक लंबा हो जाता है और
लेट मैरिज मानी जाती है और लेट मैरिज होती है। चौथा भाव या लगन भाव में मंगल हो और सप्तम भाव में शनि हो तो व्यक्ति की विवाह में कोई रुचि ही नहीं रहती। जल्द विवाह करने के लिए आपको कुछ उपाय हैं। माता पिता को कन्या की शादी में कोई बाधा आती है तो पूजा के लिए आपको एक उपाय बताते हैं कि 5 नारियल लें और भगवान शिव के आगे ओम श्री वर प्रदाय श्री नमा मंत्र का 108 बार 5 माला जाप करें और फिर उन 5 नारियल को भगवान शिव को अर्पित कर दें। ऐसा करने से 5 सोमवार लगातार यदि ऐसा करते हैं तो विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और मेल आए हैं तो कुछ सवाल ले लेते हैं। राधा हैं जो कि गोरखपुर से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/1982 और समय है दोपहर का 1 बजे। और इनका प्रश्न है कि मैं प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हूँ लेकिन जितनी बार मैंने कोशिश की है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सामने, कई बार फिनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती हैं। और ऐसे में आप बताइए कि कब इसके सही योग बन रहे हैं, कब इस काम को आगे स्टार्ट करना चाहिए। जी आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन और वृषभ राशि की है। प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहती हैं, बड़ा काम करना चाहती हैं। दशम भाव को हम देखेंगे और दशम भाव में जो राशि उदित होती है वो मंगल की राशि वृश्चिक और वहाँ पर 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं जो कि गुरु बुध शुक्र और सूर्य। निश्चित ही आप जीवन में बड़ा व्यवसाय करेंगे, बड़ा काम करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अभी आपकी जो दशा चल रही है वो गुरु में मंगल की चल रही है जो कि चलेगी 17 जुलाई 2024 तक। इसी समय पे आपको इस कार्य को अंजाम देना है, निश्चित ही आपका काम चलेगा। हनुमान जी की आराधना करें, हर मंगलवार का व्रत रखें, हो सके तो लगातार 43 दिन गुड़ की रेवड़ियाँ बहते जल में प्रवाहित करें। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं यदि आप इस उपाय को करेंगे और वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी कार्य आप करेंगे और जो समय आचार्य जी ने बताया है उस समय करिएगा और देखिएगा कि जल्दी उसमें आप सक्सेस मिलेगी। आगे बात करेंगे धनु मकर कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज का दिन आपको सावधानी से गुजारना होगा। आपको आज नुकसान का योग बना हुआ है, कोई अपना आज आपको धोखा दे सकता है और धन की गड़बड़ भी कर सकता है। माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 55% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज का दिन परिवार को समर्पित है आपका। आज पुत्र पुत्री के लिए आज कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं जो आगे जाके लाभकारी सिद्ध होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, खान पीने का ध्यान रखिए और वाहन बिल्कुल आज मत चलाइए। ओम नमः शिवाय का यदि जाप करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 2 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज राशि स्वामी गुरु आपको एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आज आपको अवश्य प्राप्त होगी। धर्म स्थान में गेहूं का दान करना दिन की शुभता को और अधिक बढ़ाता है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 4 और भाग्य का मीटर 85% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल ये थी आखिरी 4 राशियों का आज का राशिफल। आचार्य जी अब वक्त हो गया है बर्थडे टिप्स को और आपसे जानेंगे कि आज बर्थडे टिप्स में आज क्या बोलेंगे आप। जिनका भी आज जन्मदिन है हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मीठे चावल पहले मंदिर में भोग लगाकर भगवान को, उसके बाद गरीबों में यथाशक्ति बांटें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष आपको खुशियां और सफलताएं प्राप्त होंगी। बिल्कुल, तो मैरिज टिप्स में हम जानेंगे कि जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण और मां राधा को मुकुट भेंट करें।
यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन नारियल को हमें नहीं खाना है, इससे हमारी बुद्धि का नाश होने का डर बना हुआ है। टिप्स ऑफ द डे में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। टिप्स ऑफ द डे में आज मीठा दही भगवान गणेश को पहले अर्पित करें, यथाशक्ति गरीबों में बांटकर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। दर्शकों, इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया जो लगातार हमारे साथ बने रहे, इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।